दोस्तों, चटनी तो आपने बहुत बार खाई होगी। अगर आपने एक बार ये भिंडी की चटनी खा ली तो इसका स्वाद आपकी जुबान से उतरेगा नहीं। तो चलिए बनाते हैं भिंडी की चटनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दा स्वाद में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। भिंडी की चटनी बनाने के लिए हमने लगभग 100 ग्राम भिंडी ली है। तो इनमें इस तरह हमको सबसे पहले कट लगाना है। इस तरह थोड़ा सा कट लगा के इसमें लहसुन की एक कली फंसा देनी है। हमने 5 लहसुन की कली ली है। आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी तरह 5 भिंडियों हमने लहसुन को लगा दिया है, देखिए इस तरह से। और अब डालेंगे हम इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे से भिंडी में लगा देंगे, जैसे कोटिंग करते हैं इस तरह ऑयल की कोटिंग कर देंगे। और सब भिंडी में ऑयल अच्छे से लग जाए, इस तरह से एक एक करके भी लगा सकते हैं। ऑयल की कोटिंग करने के बाद हम एक एक करके यहाँ भिंडियों को सेट कर देंगे, जिससे ये अच्छे से भुन जाएं। अगर एक बार में ये नहीं भुनती हैं तो 2 बैच में हम भून के तैयार कर लेंगे। तो हमने जितनी भिंडी स्टैंड पर आ सकती थी उतनी भिंडी हमने रख दी हैं। बीच वाले हिस्से में जल्दी भुन जाती हैं, इसलिए हमें इसे उठा के साइड से भी भून लेना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से। जब ये एक तरफ से भुन जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह भुन जाएं। तो हमने इनको अच्छे से पलट दिया है और इनको भून कर लगभग तैयार हो चुकी हैं। सभी भिंडी भुन चुकी है। इसी तरह 2 बैच में हमने भिंडियों को भून लिया है। और अब लिया है हमने 2 प्याज लिए हैं छोटी छोटी, और एक टमाटर लिया है, और ये लिया है एक काचरी, जो कि ऑप्शनल है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये लिए मैंने 4 हरी मिर्च, इनको भी भिंडी की तरह लेफ्ट राइट करके अच्छे से भून लेना है, क्योंकि बीच में सबसे पहले भुन जाते हैं। इनको भी हमने पलट लिया है और ये भी अच्छे से भुन के तैयार हो जाएंगे अभी। और ये अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इनको भी हम अब निकाल लेते हैं। सभी सामग्री को काट के ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से हम पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है अच्छे से। ये जो आपको लस लसा दिख रहा है एकदम ख़त्म हो जाएगा जब इसे पकाएंगे। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। चटनी को पकाने के लिए हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है, अभी घी मेल्ट हो रहा है। तो अब इसमें डाल रही हूँ जीरा, और साथ ही डाल दूँगी मैं 1/2 चम्मच कलौंजी। और इसके बाद डालना है, जो कि ज़रूरी होता है चटनी में और डालना चाहिए, ये डाल रही हूँ मैं हींग। और इसको अच्छे से तड़का लिया है, और अब इसमें मैंने डाल दिए चटनी, और इस तरह से इसे बहुत बढ़िया से पकाएंगे। और इसे इस तरह चलाते रहना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। और थोड़ी देर बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमें डालने हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। हमने इसे 1 से 1.5 मिनट चला लिया है। अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि पहले ही मैंने 4 हरी मिर्च डाल दी हैं। और ये डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, और ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और चटनी को चलाते रहेंगे, और धीरे धीरे ये पकती जाएगी और ऑयल को छोड़ती जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में पका सकते हैं, मैंने घी लिया है। थोड़ी देर चलाने के बाद देखिए कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है और घी भी सेपरेट हो रहा है धीरे धीरे, और चम्मच के साथ ये मूव कर रही है। और अब डाल रही हूँ मैं 1/2 नींबू का रस, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली से इसका कलर थोड़ा बदल जाएगा। और देखिए साइड से घी छोड़ चुकी है, ये बनकर तैयार है। तो अब बना लेते हैं हम तड़का। तड़के
तड़के के लिए हमने थोड़ा सा घी लिया है। आप ऑयल ले सकते हैं जो आप ऑयल खाते हैं। तो घी गर्म हो चुका है तो मैं डालूंगी सबसे पहले थोड़ी सी हींग। चटनी में हींग बहुत ज़रूरी है। और ये लिए मैंने सफ़ेद तिल एक छोटी चम्मच। अब डालूंगी लाल सूखी मिर्च और ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है और ये चटनी भी बनके तैयार है। अगर आपने एक बार ये चटनी खा ली तो कभी इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे, आप भिंडी की सब्जी खाना छोड़ दोगे। इस चटनी को हर खाने में शामिल करोगे, ये बहुत ही टेस्टी यमी होती है। आपके यहाँ रिलेटिव आए, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, हर चीज़ में ये चटनी कंपलसरी हो जाएगी। तो बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम।